हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप सब लोग मस्त होंगे, घर पे अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो घर पर ही रहकर पढ़ाई करनी है अपन लोगों को, बाहर तो निकलना ही नहीं है। मैंने अभी एक यूट्यूब पर अपनी जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को नीट का जो शेड्यूल है उसका कुछ बताया था थोड़ा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग आप अभी घर पे हैं तो सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छी वीडियो बनाएं पढ़ाई से रिलेटेड। तो आज से अपना जो पढ़ाई का जो मैटर है वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी कुछ फालतू बात करनी नहीं, अपना डायरेक्ट जो काम है उस पर आते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो है कान के बारे में, ईयर के बारे में, उसकी जो संरचना है, उसका जो कार्य है, सुनने वाला जो कार्य है उसके बारे में। हमारे कान के द्वारा मेनली दो काम किए जाते हैं। एक तो वो सुनने का काम करता है, दूसरा बॉडी का बैलेंस बनाता है। तो आज हम लोग कान की जो सुनने वाला काम है उसके बारे में, उसका जो कैसे फंक्शन करता है, क्या स्ट्रक्चर है उसमें, जो कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग जो अपनी स्क्रीन पर ईयर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो मैंने खुद से आप लोगों को समझाने के लिए बनाई है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए थोड़ा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे कान के तीन पार्ट होते हैं। एक तो एक्सटर्नल ईयर, जिसे आप आउटर ईयर बोलते हो, जो आप लोगों को दिखाई देता है, जो हम लोगों को बॉडी में बाहर जो कान दिखता है उसको आउटर ईयर बोलते हैं। फिर बीच में जो मैंने हाईलाइट कर रखा है मार्कर से, हाईलाइटर से जो हाईलाइट कर रखा है, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं मिडल ईयर। इसके बाद ये जो कॉकलिया वाला भाग है यहाँ पे, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं इनर ईयर। ऐसे करके इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो ये जो एक्सटर्नल ईयर है, ये आउटर ईयर, इस वाले भाग को यहाँ पे बोलते हैं पिन्ना। ये क्या करता है, इसका मेन काम होता है जो साउंड वेव्स आती हैं उनको कलेक्ट करना, इसका काम होता है। साउंड वेव आ रहे हैं, ध्वनि तरंगें, उनको कलेक्ट करता है। और इसकी जो कलेक्ट करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक उनको ये कलेक्ट करता है ना। फिर इसके बाद ये जो वाला भाग है, ये कान आपका, ये जो कान है इसका, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा, इसको कोंका बोला जाता है। मतलब जो आउटर ईयर का इधर अंदर की साइड में थोड़ा जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है हम लोगों को, बाहर से जो दिखता है थोड़ा, उसको बोलते हैं कोंका, कोंका बोला जाता है। अब यहाँ पे इसको जो है इसको बोलते हैं बाह्य कर्णकुहर या ऑडिटरी मीटस या ऑडिटरी कैनाल बोल सकते हैं आप लोग। ये एक मतलब नहर जैसा जो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ये गुहा है, गुहाला के स्ट्रक्चर। तो इसको ऑडिटरी मीटस या बाह्य कर्ण गुहा या कुहर बोलते हैं, जिसकी लंबाई होती है लगभग 24 mm, 24 मिलीमीटर है ना। अब इसकी जो ये जो स्किन है ना, इस पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और सेरुमिनस ग्रंथि पाई जाती हैं जो ईयर वैक्स निकलता है ना उसको स्रावित करती हैं, ईयर वैक्स को यहाँ पर स्रावित करती हैं, जिसका मुख्य कार्य होता है धूल मिट्टी जो कान में थोड़ी बहुत आती है तो वो उससे चिपक के उधर ही रह जाती है। मतलब ये जो आपका ये जो ईयर ड्रम है ना, इसको बोलते हैं कान का पर्दा, ईयर ड्रम। तो धूल मिट्टी आए वो यहाँ तक ना पहुँचे, तो धूल मिट्टी यहीं पे ये बाल, ये जो रोम हैं छोटे छोटे, ये बाल हैं इनकी वजह से रुक जाती है। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये सो करके रखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये जो ईयर वैक्स है वो निकलता है यहाँ पे, सेरुमिनस ग्लैंड से ईयर वैक्स निकलता है, तो उसकी वजह से मिट्टी वगैरह अंदर नहीं पहुँचती है। तो ये हमारे इसको सुरक्षा का कार्य करते हैं। और जो छोटे छोटे बाल हैं वो इसके ऊपर भी पाए जाते हैं, यहाँ पे जो पिन्ना है ना, ये बाहर वाला जो कान है, बाहर कान कर्ण है, उसके ऊपर भी छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। अब आते हैं आपके पास, इसके बाद इसको बोलते हैं ईयर ड्रम, ईयर ड्रम या फिर आप कान का पर्दा बोलते हैं इसको, कर्णपटय या कान का पर्दा बोला जाता है इसको, यहाँ पे ईयर ड्रम है इसमें। अब ये जो ऊपर और नीचे, ये जो जैसे अपनी बॉडी की जो स्किन है ना उससे सटा हुआ है यहाँ पे, तो उधर तो आपकी एपिथिलियम ऊतक होती है, और जो बीच में है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है। और अब ये अपना बाह्यकर्ण हो गया यहाँ पे, अब ये आता है मध्यकर्ण का पार्ट। मध्यकर्ण के अंतर्गत चार चीज़ें हैं,
एक तो ये कान का पर्दा मध्य कर्ण के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद यहाँ पे ये होती है मेलियस, इंकस और स्टेपिज, ये तीन अस्थियाँ होती हैं। मेलियस, इंकस और स्टेपिज, हमारे शरीर की सबसे छोटी जो बोन है वो भी ये स्टेपिज, तो यहाँ पे ये तीन होती हैं। इनको याद करने के लिए आपके लिए एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं मिस, एम यहाँ पे एम आई एस, मिस, मेलियस, इंकस और स्टेपिज, इनको ऐसे याद करके रखो आप लोग। ये तीनों क्रम वाइज हैं, सीक्वेंस वाइज हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिज। अब यहाँ से आज हम लोग बस जो सुनने का जो सिस्टम है उसी की बात करेंगे, बैलेंसिंग वाला सिस्टम है उसकी मैं एक वीडियो छोटी सी और बनाऊंगा। तो इन तीनों की स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं कि जो मेलियस है ना, मेलियस, इसकी तो हैमर हथौड़े जैसी संरचना होती है, और जो इंकस है इसकी एनविल, लोहार लोगों के पास एक एनविल उनका जो हथियार है उसके जैसी संरचना है ना। और जो स्टिरप, इसको स्टिरप बोलते हैं, या घोड़े की मतलब रकाब जिस पर घुड़सवारी करते हैं लोग, वो पैर रखते हैं, तो ये उसकी जैसी संरचना होती है। तो अब आपको बताऊँ, एम्स 2016 का एक क्वेश्चन आया था कि आवाज का जो है प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये तो आपका बाह्यकर्ण हो गया, ये मध्यकर्ण है और ये अंत्यकर्ण है। तो जो मध्यकर्ण के अंदर ये जो चारों हैं इनके द्वारा उसका प्रवर्धन किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन इन चारों के द्वारा किया जाता है। उस ऑप्शन में थे कि ईयर ड्रम, मेलियस, इंकस और स्टेपिज, इनके द्वारा किया जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इनका कार्य क्या होता है कि जैसे इनकी क्षमता होती है कि ये किसी ध्वनि तरंग को 20 गुना तक बढ़ा सकती हैं, मतलब उसको इतने तक प्रवर्ध कर सकती हैं, उसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, 20 गुना तक उसको प्रबल बना सकती हैं। यहाँ पर अगर आपकी 20 हर्ट्ज की ध्वनि आ रही है तो उसको ये 20x20 बराबर 400 हर्ट्ज तक पहुँचा सकती हैं, मतलब सुनने की जो क्षमता है ना उसको बढ़ाती हैं ये। तो इनका कार्य होता है, अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम लोग एरिया क्षेत्रफल है अगर उसको हम बढ़ा दें तो फोर्स प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे समझ लो आपका ये जो वॉइस है, अब ये थोड़ा बड़ा होता है हैमर, फिर उससे थोड़ी संरचना यहाँ पे ये छोटी हो जाएगी, ये जो आपकी जो ये हैमर है ये थोड़ा बड़ा होगा, फिर ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, और ये है ना ये एकदम आके छोटी हो जाती है। तो अब यहाँ पे एरिया कम होगा तो आवाज़ का जो प्रेशर है मतलब प्रबल आवाज़ कैसी हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी, सुनने के लायक मतलब अच्छी हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से जैसे वॉइस आई बाहिकर्ण कुकर होके यहाँ पे आई, इस पर स्ट्राइक करेगी, हिट करेगी इसके ऊपर, फिर यहाँ से मेलियस जाएगी, फिर इंकस, फिर स्टेपिज। तो आपको समझ में आ गया कि एरिया अगर यहाँ पे कम है तो ये आवाज़ की जो प्रबलता है उसको बढ़ा देगा, प्रबलता को बढ़ा देगा। फिर यहाँ से ये जाती है कॉकलिया के अंतर्गत। अब मैं आपको बताऊँ कि मैंने यहाँ पे जो हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये होती है यूस्टेकियन नलिका, ये यहाँ पे जो नीचे ग्रसनीय गुहा है, फेरेंजियल कैविटी है, उसमें आके खुलती है। इसका क्या कार्य है, यहाँ की जो एयर है और यहाँ जो हम जैसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो लोग थोड़ा तेज बोलते हैं, या किसी को बुलाना हो पुकारना हो तो हम थोड़ा तेज बोलते हैं ना, तो ये जो ज़्यादा हवा आती है तो कहीं कान का पर्दा ना फट जाए, तो इधर की साइड की हवा और इधर की साइड की हवा, दोनों साइड की हवा का बैलेंस बना के रखती है ये। इसके नलका का कार्य यही होता है, इसमें सिर्फ हवा भरी होती है, बाकी कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इसके अंदर हवा भरी हुई होती है। ऊपर आपकी जो करोटी है, ऊपर वाला जो ब्रेन पार्ट है ना, उसकी एक टेम्पोरल बोन होती है, वो यहाँ पे होती है, टेम्पोरल बोन पाई जाती है ना। अब यहाँ से जैसे जो ध्वनि तरंग के जो यहाँ पे आए, ध्वनि तरंग यहाँ तक आए, अब ये क्या करते हैं कि ये जो आपका आप लोग देख रहे हो, अब यहाँ पे ये होता है आपका कॉकलिया तंत्र, जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गोल गोल संरचना, घुमावदार संरचना दिख रही है ना, ये होता है आपका कॉकलिया तंत्र। अब इसके अंदर दो झिल्लियाँ होती हैं, एक होती है राइजनर्स झिल्ली और दूसरी होती है आधार झिल्ली या बेसलर झिल्ली बोलते हैं जिसको, जो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करती हैं। अब इसको हम NCERT का एक डायग्राम है, NCERT में कॉकलिया के जो कॉकलिया का एक चित्र दे रखा है, वहाँ से समझेंगे, ठीक है। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर जो है कॉकलिया का जो काट दृश्य है वो देख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये है, ये जो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुले, स्केला वेस्टिबुले, है ना। इसमें होता है पैरालिम्फ भरा हुआ होता है, जो द्रव है वो परलिस्का द्रव या पैरालिम्फ बोलते हैं जिसको, वो भरा हुआ होता है। और इसके जो नीचे वाला है इसमें भी परलिस्का द्रव भरा हुआ है जिसको बोलते हैं स्केला टिम्पेनी।
और जो मध्य वाला भाग है इसको बोलते हैं स्केला मीडिया या मध्य सोपान, है ना। और जो ऊपर ये जो आपको रेड रेड जो झिल्ली दिख रही है ये वाली, ये होती है राइजनर्स झिल्ली। और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बोलते हैं। और इसके जो नीचे जो झिल्ली है उसको बोलते हैं आधार झिल्ली। क्या बोलते हैं? आधार झिल्ली। ये जो नीचे दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं आधार झिल्ली। अब आपको याद कैसे करना है, लोग बोलते हैं कि हमें नाम तो याद है इनके, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी, लेकिन ध्यान नहीं रहता है कौन सा क्या है। तो देखो आप कैसे याद करना है, आपको स्केला वेस्टिबुली नाम लिखा हुआ है तो इसमें आपका वेस्ट आ रहा है, वेस्ट, वेस्टिबुली वेस्ट। तो जो इंसान वेस्ट है, कोई अच्छी चीज़ है, वेस्ट एकदम अच्छा है, जो वेस्ट है अपने लिए उसको हम कहाँ पर रखते हैं? ऊपर। जो चीज़ अच्छी है, बेस्ट है अपने लिए, उसको हम ऊपर रखेंगे। तो याद रखो कि स्केला वेस्टिबुली आएगा, वेस्टिबुली वेस्ट, तो वो हम कहाँ पर रखेंगे? ऊपर। तो ऊपर वाला जो भाग है उसका नाम है स्केला वेस्टिबुली, ठीक है। अब इसके यहाँ लिखा हुआ है स्केला मीडिया, क्या लिखा हुआ है? स्केला मीडिया, मतलब मीडिया मतलब मिडिल, बीच में आएगा, मीडिया मतलब मिडिल, बीच में आएगा, ये दोनों हो गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्केला टिम्पैनी, टिम्पैनी मतलब टांग देना, टिम्पैनी से आप याद करो टांग देना। अगर हम किसी चीज़ को टांगेंगे वो तो लटक कर नीचे की साइड ही आएगी ना। अब वैसे भी अब आपको स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया अगर आपको याद है ये दोनों ऊपर नीचे हैं, तो स्केला टिम्पैनी रह गया, वो नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कोक्लिया का दृश्य, काट का दृश्य है, वो चित्र है जो हो गया, है ना। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तीनों, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंत्यकर्ण। बाह्यकर्ण में तो आपका कर्ण, कुवर और ईयर जो पिन्ना है वाई वाला वो आता है। और जो मध्यकर्ण में है वो आपकी ईयर ड्रम है, मेलियस, इंकस और स्टेपिस, ये चार चीज़ आती हैं। और जो अंत्यकर्ण है उसमें कॉकलिया आता है ना। इनमें एंडोलिम्फ, इन सब का जो द्रव भरा हुआ है इसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। और इसमें भी अब ये पेरिलिम्फ है, ये एंडोलिम्फ है, और इसमें भी पेरिलिम्फ भरा हुआ होता है, परलस का द्रव, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जो आप लोग बाह्यकर्ण देख रहे हैं ये क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, जो कि 20 हर्ट्ज़, जिनकी क्षमता 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है ना। अब ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा, फिर यहाँ से ये क्या करता है, ध्वनि तरंगों को बाह्यकर्ण कुवर है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स आपको दिख रहा है, जिसको ना यहाँ पे दिख रहा है ना, बाह्यकर्ण कुवर, बाह्यकर्ण गुहा बोलते हैं जिसको, वहाँ से होते हुए ये कर्ण पटह तक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, जो आप लोग यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना ये वाला जो, इसको बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या फिर ईयर ड्रम या कर्ण पटह या कान का पर्दा बोलते हैं ना, यहाँ इससे टकराते हैं, इसको स्ट्राइक करती हैं, हिट करती हैं। इसमें टकराने के बाद ये इसमें क्या होगा, कंपन उत्पन्न होता है, जो कंपन होता है वो तीनों कर्णस्थिका, मेलियस, इंकस और स्टेपिज, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ये मेलियस, इंकस और ये जो स्टेपिज है उनसे टकराएंगे, उन तीनों से टकराएंगे, उन तीनों में कंपन उत्पन्न होगा। फिर उन तीनों से टकराने के बाद ये जाता है फेनेस्ट्रा ओवलिस में, जो कि आपका जो स्टेपिज है ना, स्टेपिज उसका जो ऊपर वाला जो भाग है वहाँ पर जो होल है, अंडाकार खिड़की होती है एकदम अंडाकार, जिसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस, वहाँ पर जाती है। फेनेस्ट्रा ओवलिस से ध्वनि तरंग कहाँ पर पहुँच जाती है, अंत्यकर्ण में। इसका कार्य क्या होता है, ये अंत्यकर्ण तक पहुँचाने की इनकी जो क्षमता है ना ध्वनि तरंग, इनको बढ़ा देते हैं, ये प्रवर्धन कर देते हैं, उनका एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं। फिर कर्णपटह से फेनेस्ट्रा ओवलिस तक पहुँचती हैं, तो ये जो फेनेस्ट्रा ओवलिस तक जो ध्वनि तरंग है ना, कर्णपटह से, कर्णपटह मतलब जो कान का पर्दा है, वहाँ से लेकर फेनेस्ट्रा ओवलिस यहाँ तक पहुँचने तक ध्वनि तरंगें कम तो विस्तृत और अधिक प्रबल हो जाती हैं, मतलब इनकी प्रबलता तो बढ़ जाती है और जो विस्तृत है, विस्तृत मतलब वो कम हो जाती है, है ना, और प्रबल अधिक हो जाती है। फिर यहाँ से फेनेस्ट्रा ओवलिस से इन झिल्लियों में जो कंपन होता है, इसके बाद ये क्या पहुँचती हैं, कोक्लिया में, कोक्लिया तंत्र में। तो कोक्लिया में जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको स्केला वेस्टिबुली, बीच वाले को स्केला मीडिया, और जो सबसे नीचे वाला होता है इसको स्केला टिम्पैनी बोलते हैं, है ना। अब ये पहुँचेंगे आपकी स्केला वेस्टिबुली में, इसमें पेरिलिम्फ या परलस का द्रव भरा हुआ होता है, तो ये वहाँ पहुँचेंगे ध्वनि तरंगें, तो वहाँ पे कंपन उत्पन्न करेंगे। तो कंपन उत्पन्न करने के बाद जो रीजनर्स झिल्ली है उसमें कंपन उत्पन्न होगा, रीजनर्स झिल्ली में कंपन उत्पन्न होगा, रीजनर्स झिल्ली में कंपन उत्पन्न होगा, तो वो क्या करेगी, बीच वाला जो भाग है स्केला मीडिया उसमें कंपन उत्पन्न करेगी, स्केला मीडिया में कंपन उत्पन्न करेगी, वो पहुँचती है कहाँ तक, कॉर्टिके अंग तक,
और जो नीचे वाला जो भाग है ना स्केला टिम्पेनी, उसके ऊपर जो स्केला मीडिया के नीचे और स्केला टिम्पेनी के जो ऊपर बीच वाली जो झिल्ली है उसको बोलते हैं बेसिलर झिल्ली या आधार झिल्ली, उसमें भी कंपन उत्पन्न होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में ऊपर राइजनर झिल्ली और नीचे बेसिलर झिल्ली में कंपन उत्पन्न होगा, तो ये जो बीच वाला भाग है स्केला मीडिया उसमें कंपन उत्पन्न करेंगे, बीच वाले भाग में स्केला मीडिया में क्या करेंगे कंपन उत्पन्न करेंगे, जिसमें क्या भरा हुआ होता है एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है, जैसे अंतरतर एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है, ठीक है ना। अब अंतर उसमें कंपन उत्पन्न होगा तो कॉर्टिके अंग तक कंपन पहुंचने लगेंगे, कॉर्टिके अंग तक कंपन पहुंचेंगे, वहाँ पर होती हैं छोटे छोटे बाल होते हैं, रोम जैसी संरचना होती है जिनको बोलते हैं रोम टेक्टोरियल सेल्स, रोम टेक्टोरियल कला बोलते हैं, उससे टकराती हैं जिससे वहाँ पर श्रवण संवेदना की जो प्रेरणा है वो स्थापित होती है ना। इसके बाद जो कॉकलियर तंत्रिका होती है इस संवेदना को श्रवण तंत्रिका के द्वारा कहाँ पहुँचा देती है मस्तिष्क पहुँचा देती है, मस्तिष्क इस बात का विश्लेषण करता है और जो उपयुक्त प्रेरणा है उसको संबंधित ग्राही अंग कहाँ, मतलब ये जो काम किस बारे में बात कर रहा है वहाँ तक पहुँचाता है, समझ रहे हो, वहाँ तक पहुँचाता है। और कॉकलिया से उत्पन्न तरंग परिलसिका द्रव से होती हुई, अब जो कोकलिया से जो तरंग है वो मस्तिष्क तक पहुँच गए लेकिन कुछ और जो रह गए हैं वो फेनेस्टर और टेंडिस तक, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये रहा फेनेस्टर और टेंडिस, यहाँ तक पहुँचाती हैं और यहाँ पे आके क्या हो जाती हैं नष्ट हो जाती हैं। और कुछ तरंगें होती हैं जो प्रबल यहाँ पे हेलिकोट्रोमा है यहाँ पे भी ख़त्म हो जाती हैं, तो आप समझ में आ गया होगा। अब जो कान की प्रोसेस की जो पूरी वीडियो थी हियरिंग वाली सुनने की जो प्रोसेस है वो तो पूरी हो गई, अब मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो और इसमें ऐड कर किया है मैंने उसको दिखाते हैं, उसमें दिखाया गया है कि कैसे करके कान का जो सुनने का प्रोसेस है कैसे कंप्लीट होता है ना, जिसके माध्यम से आप लोग उसको समझ सको। अब लोग आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ध्वनि तरंग आ रही है ना, जो साउंड वेव से वो आ रही हैं और ईयर ड्रम को हिट कर रही हैं, वहाँ पे उसको हिट करने के बाद उसमें कंपन उत्पन्न हो रहे हैं और वो कंपन मेलियस और इंकस और स्टेपेज को लगातार उसको कंपित कर रहे हैं वहाँ पे भी। ये भी यहाँ पर ये कॉकलिया है और उसके ऊपर ये वेस्टिबुलर तंत्र है जिसका काम बॉडी को संतुलित करना होता है, बॉडी का संतुलन बनाए रखना। अभी यहाँ पर इसको हिट किया, इसके बाद ये साउंड वेव्स आप लोग देख रहे हो ये कॉकलिया में जा रहे हैं, यहाँ पर इनका एम्प्लीफिकेशन होने के बाद ये मस्तिष्क को भेज दी जाती हैं। तो आज आप लोगों की ये हियरिंग वाली जो प्रोसेस थी कान की वो पूरी हो गई है इस वीडियो के द्वारा, और जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो वेस्टिबुलर तंत्र जो शरीर को बैलेंसिंग करने का जो काम करता है ना उसकी वीडियो बनाएंगे, तो वो हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे, इस बार टाइम गैप नहीं देंगे इतना, इस बार 4-5 दिन का गैप हो गया था थोड़ा। आप लोग घर पर रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है या ऐसा लगे कि इसमें कुछ थोड़ा मिस्टेक दिख रहा है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है चैनल है वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बात कर सकते हैं आप लोग डायरेक्ट। थैंक यू सो मच गाइज़।